वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है जो अपनी लाइफस्टाइल और दिलचस्प संस्कृति के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आपको लगेगा कि ये वियतनाम नहीं बल्कि थाईलैंड हो। यहां पर होने वाला चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। वियतनाम की खूबसूरत महिलाएं जिनके काले लंबे मुलायम बाल और खुले विचार आने वाले टूरिस्टों को बहुत पसंद आते हैं। इस छोटे से देश ने अमेरिका जैसे देश को जंग में हरा रखा है। जानेंगे वियतनाम को गहराई और करीब से, यहाँ की मॉडर्न सिटी से लेकर खूबसूरत गांव और संस्कृति के बारे में। तो तैयार हो जाइए, अपने सीट की पेटी बांध लीजिए और आज हम निकल चलते हैं एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक वियतनाम की सैर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। ये है वियतनाम की करेंसी जिसे वियतनामी डोंग कहते हैं और ये दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। भारत के केवल 0.0033 पैसे यहाँ के एक डोंग के बराबर हैं। यानी अगर 100 भारतीय रुपए वियतनामी डोंग में बदले जाएं तो वो 30,000 रुपए बन जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की करेंसी का सबसे बड़ा जो बैंक नोट है वो 5,00,000 डोंग का है। हमें भी रिसर्च के बाद ही पता चला कि 5,00,000 का नोट भी हो सकता है। वियतनाम दुनिया के सबसे छोटे और सस्ते देशों की लिस्ट में आता है। जब भारत की करेंसी में इतना बड़ा फायदा वहाँ होता है तो सोचिए, डॉलर, यूरो और पाउंड इस्तेमाल करने वाले लोग तो वहाँ कुछ ही डॉलर्स में करोड़पति बन जाते होंगे। शायद यही वजह है बहुत सारे यूरोपीय टूरिस्ट यहाँ पर हर साल घूमने जाते हैं और भारतीय भी। यहाँ आपको 30 रुपए में कॉफी, 30 रुपए में बियर और 100 से लेकर 300 रुपए में अच्छा खासा खाना खाने को मिल जाएगा। ये खूबसूरत देश साउथ ईस्ट एशिया में आता है। अगर हम नक्शे पर देखें तो इंडो चाइनीज पेनिनसुला इसके पश्चिम में है, जबकि कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी से लगती है। उत्तर की दिशा में चाइना से इसका बॉर्डर टच करता है और पश्चिम की तरफ लाओस और कंबोडिया जैसे देश हैं। ये है देश की राजधानी हनोई शहर। जो कि वियतनाम का पुराना और सांस्कृतिक केंद्र भी है। इस शहर का इतिहास आज से 1,000 साल पुराना है। हनोई का नाम एक समय पर थोंग लोंग हुआ करता था और 1010 में ये शहर वियतनाम की राजधानी बना था। यहाँ की संस्कृति बहुत ज्यादा अलग है। जहाँ पुराने जमाने की इमारतों के साथ कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स और मॉल्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बौद्ध टेम्पल और फ्रेंच कॉलोनीज के हिस्से आज भी हैं। वियतनाम में बाहरी लोगों को एक जो सबसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है वो है यहाँ की भाषा, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश ना के बराबर आती है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट जैसे इंटरनेशनल जगहों पर भी जो यहाँ का काम संभालने वाला स्टाफ होता है उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें भाषा को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग फिर गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हैरानी की बात है कि जिस देश में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सैलानी हर साल घूमने आते हों और वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हों, फिर भी वहाँ के लोग टूरिस्टों की सुविधा के लिए इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते। ढूंढने से यहाँ कुछ ही लोग मिलेंगे जो कॉमन भाषा जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश आती हो। ये है राजधानी हनोई में मौजूद वन पिलर पगोड़ा, जिसे वियतनामीज भाषा में चुआ मौत कॉट कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ये टेम्पल अपने खास डिजाइन के लिए
दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी खासियत है कि ये पूरा टेंपल केवल एक पिलर पर खड़ा है। ये जगह वियतनाम की संस्कृति और परंपराओं का घर है। इस खूबसूरत टेंपल को आज से 1000 साल पहले यानी के 1049 में लाई थाई थोंग राजा ने बनवाया था। दरअसल उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने फूलों से भरा हुआ एक कमल का फूल अपने सपने में देखा था जो कि एक डाली पर खिला हुआ था। ये सपना अक्सर राजा को आया करता था जिससे वो और ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होने लगे और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सपनों में आने वाले उस बौद्ध टेंपल को हकीकत में बनवाएंगे। पहले इस टेंपल का नाम लोटस प्लेटफॉर्म हुआ करता था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वन पिलर पगोड़ा कर दिया गया। वियतनाम के लोग ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। एक तो यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं, जबकि हमारे देश भारत में लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अगर आप वियतनाम में हैं, तो गाड़ी चलाने में शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ ही जाती है। यहाँ रेड लाइट होने के बाद भी लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं रोकते, ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ बहुत सारे स्कूटर किराए पर दिए जाते हैं, खासतौर पर सैलानियों के लिए। अगर आप चाहें तो इन्हें किराए पर लेकर चला सकते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लेकिन अगर नहीं है तो पुलिस जुर्माना ले सकती है 20 लाख डोंग तक का, जो कि 6,500 रुपए बनते हैं। हालांकि सड़कों पर गाड़ियां तेज नहीं चलती, उतना ट्रैफिक भी नहीं रहता, फिर भी यहां लोगों को ट्रैफिक के नियमों की कोई परवाह नहीं है। यह है देश का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी। जो कि देश का आर्थिक केंद्र माना जाता है, जहां विदेशी लोगों को आप सड़कों पर देख सकते हैं। ये शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा टूरिज्म से पैसा कमाता है। इस शहर का आधिकारिक नाम तो हो ची मिन सिटी है लेकिन आज भी लोग इसे सैगोन के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि 1975 से पहले हो ची मिन सिटी को सैगोन ही कहा जाता था। ये जगह अपनी नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वियतनामी परियां यहाँ पर आपको काफी बड़ी संख्या में नजर आएंगी, जहाँ पर कई मसाज पार्लर हैं और वैसी जगह भी हैं जहाँ ये महिलाएं पैसों के लिए विदेशी पुरुषों को खुश करने का काम करती हैं। हालांकि यहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ ऐसी जगह पर काफी सारे स्कैम होते रहते हैं जिसमें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सभी महिलाएं यहाँ धोखा नहीं देती, बहुत सी महिलाएं सच में खुश भी कर देती हैं, बस आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सड़क से नजर उठाकर अगर आप इस इमारत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं बुर्ज खलीफा तो नहीं देख रहे, लेकिन ये बुर्ज खलीफा नहीं है। ये है विनपल लैंडमार्क 81, जो कि हो ची मिन सिटी में मौजूद है। ये देश की सबसे ऊंची इमारत है। इसके सबसे ऊपर पहुंचकर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इस मॉडर्न आर्किटेक्ट से बनी बिल्डिंग में 81 मंजिलें बनी हैं और पूरी इमारत की ऊंचाई 461.2 मीटर यानी के 1513 फीट है, जो इसे वियतनाम की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब दिलाती है। इन 81 मंजिलों में रहने के लिए अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, होटल रूम्स हैं और कई सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। इस बिल्डिंग की खासियत है कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है, ये वैसे वैसे ऊपर से पतला होती जाती है, ठीक बुर्ज खलीफा की तरह। 2014 में इस शानदार इमारत को बनाने की पहली नींव रखी गई थी, जो महज 4 साल बाद यानी 2018 में बनकर पूरी तरह से लोगों के लिए तैयार थी। विनपल लैंडमार्क 81 में आपको सबसे ऊपर एक डेक व्यू देखने को मिलेगा, जो कि पूरे शहर का 360 डिग्री का नजारा दिखाता है, जो कि एक यादगार अनुभव रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आम लोगों को और टूरिस्टों को टिकट खरीदना पड़ता है। एक व्यक्ति की व्यू डेक की टिकट 1 लाख डोंग से लेकर
2 लाख डोंग के बीच होती है, यानी कि 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच। सीजन के हिसाब से इन टिकटों का प्राइस बदल सकता है। अगर हम इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 3,31,690 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 66वां बड़ा देश बनता है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया का 6ठा सबसे बड़ा देश। यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से 49% पुरुष हैं, जबकि 51% महिलाएं हैं। यहाँ पर भी लोग शादी और बच्चे कम कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी घटती जा रही है और बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है। ये देश की एक समस्या है, जबकि जो आबादी पहले गाँव में बसा करती थी, वो भी अब वियतनाम के बड़े शहरों में, आधुनिक शहरों में बसते जा रहे हैं, जैसे कि हनोई में, हो ची मिन सिटी में, दनांग में और फोंग में। आइए अब चलते हैं शहरों की चकाचौंध से दूर वियतनाम के गांव को देखने। ये है सापा, जो कि लाओ कोई प्रोविंस में आता है। ये वियतनाम का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ये जगह अपनी अद्भुत पहाड़ों, चावल के खेतों और जनजाति के लिए जानी जाती है। इस जगह पर हमोंग टाई और डाओ जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो भी बाजार लगता है, उसमें ज्यादातर चीजें हाथ से बनाकर बेची जाती हैं। धुंध से गिरे पहाड़, ठंडी हवा प्राकृतिक सुंदरता को बयां करती है। जमीन से ऊपर उठे घर, जिन्हें पिलर के ऊपर बनाया गया है, गांव की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर चावल की खेती और शांति महसूस करने वाले प्रकृति प्रेमी हर साल पहुँचते हैं। गांव के लोगों का जीवन चावल की खेती पर निर्भर है और ये लोग चावल उगाने में काफी माहिर होते हैं। यहाँ पर चावल की एक से बढ़कर एक किस्में मिलती हैं। अब हम पहुँच चुके हैं वियतनाम के एक और सुंदर गांव में, जिसका नाम है होई एन, जो कि क्वांग नाम प्रोविंस में आता है। ये ना सिर्फ बहुत ही सुंदर गांव है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है, क्योंकि ये एक प्राचीन गांव है। यहाँ की गलियाँ बहुत ही कलरफुल हैं, जिसमें ज्यादातर घरों को पीले रंग से पेंट किया गया है। पुराने तरीके से बने घर और फेमस लैंटर्स को देखने हर साल यहाँ पर हजारों टूरिस्ट आते हैं। गांव में सड़क किनारे बाजार लगता है, जिसमें ताजे फल, सब्जियाँ, बर्तन, दूसरी रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग अपनी परंपरा के अनुसार वियतनाम के लोगों की पहचान, यानी के एक कोन जैसी दिखने वाली टोपी सर पर पहनते हैं। पूरी मार्केट को ज्यादातर महिलाएं ही चलाती हैं। यहाँ का माहौल एकदम शांत है। लोगों के कपड़ों में एक खास बात नोटिस करी जा सकती है कि ये लोग पजामा पहनते हैं, जो काफी ढीले ढाले होते हैं। और ऐसा पहनावा ना सिर्फ होई एन गांव में देखने को मिलता है, बल्कि पूरे वियतनाम के लोग ढीले और खुले पजामे पहनना ही पसंद करते हैं। बहुत ही कम लोग यहां पर ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने चुस्त कपड़े पहने हो। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं फोंग ना केव की तरफ, जो कि वियतनाम के क्वान बिन प्रोविंस में आती है। यहाँ के नाम बहुत अजीब है, अगर थोड़े गलत या इधर उधर हम बोल दें तो उसे आप गलत मत समझना। ये जगह बहुत ही सुंदर है, जहाँ केवल बोट से सफर करके ही पहुँचा जा सकता है। गुफा तक पहुँचने के लिए पहले टिकट खरीदना जरूरी है, जिसकी कीमत 500 रुपए के आसपास है। यहाँ और दूसरी गुफाओं को देखने के लिए अलग से टिकट खरीदने पड़ते हैं, जिनकी अलग अलग प्राइस होते हैं। ये पूरी जगह असल में एक नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा का नेटवर्क है। सोन डोंग केव यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। नदी के किनारे फैले हरे भरे पेड़, ऊपर पहाड़, यहाँ तक पहुँचने के सफर को बहुत ही मजेदार और सुंदर बना देते हैं। यहाँ की गुफाओं का नजारा इतना अनोखा है कि इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुफा में आपको हमेशा चमगादड़ों की आवाज सुनने को मिलेगी। एक बात और ध्यान देने वाली है,
जिस बोट से लोग यहाँ पर आते हैं उसे एक महिला चलाती हैं। मतलब यहाँ महिलाएं हर काम को करती हैं, शायद पुरुषों से भी ज्यादा। इस पूरी जगह को 2003 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा 4 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। ये शानदार आकृति लाखों सालों में खुद ब खुद बनकर तैयार हुई हैं, जिनमें कुछ जमीन से ऊपर उठी हैं, तो कुछ हवा में झूल रही हैं। गुफा का ऐसा नज़ारा शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। अगर आप वियतनाम में हैं या फिर भविष्य में जाने की प्लानिंग करें तो इस फोंग ना केव को जरूर देखें। वियतनामी भाषा में फोंग का मतलब होता है हवा और ना का मतलब होता है दांत। यहाँ के लोग थोड़ा अलग तरह का खाना पसंद करते हैं। वियतनाम की नेशनल डिश फो, जो कि एक सूप है, ये सूप चावल, हरी पत्तेदार सब्जियों, जड़ी बूटियों और मीट डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को डोनट्स खाना पसंद है, लेकिन ये अपने डोनट्स अपनी तरह से तैयार करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैदे और चावल को चीनी के साथ एक बॉल का रूप दिया जाता है और फिर उसे डीप फ्राई करते हैं। ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मिठाइयों में से एक है। ये तो नॉर्मल खाना था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से अजीब मार्केट हैं, जिनमें बड़ी बड़ी छिपकलियाँ बिकती हैं। यहाँ के लोग इन्हें बहुत चाव से बनाकर खाते हैं। इसके अलावा मेंढक, घोंगे, सीप और दूसरे छोटे मोटे जीव भी यहाँ पर लोगों को खाना काफी पसंद है। ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है और ये सारी चीजें यहाँ पर लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। कॉफी, जो पूरी दुनिया में पी जाती है, उसका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वियतनाम ही है। कॉफी की खेती यहाँ की संस्कृति में शामिल है और अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देती है। पहले नंबर पर कॉफी उगाने के मामले में ब्राजील देश आता है और फिर दूसरे नंबर पर वियतनाम। वियतनाम से पूरी दुनिया में कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर कई तरह की कॉफी मिलती है, जिसमें आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी और एग कॉफी, ना जाने कितनी ही तरह की कॉफियाँ मिलती हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो दोस्तों, ये था एक शानदार और बहुत ही खास देश वियतनाम। अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो और हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वीडियोस लाते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।